यार ये सिंचन के चक्कर में कहीं फंस गया मैं। पिछले 15 मिनट से गैस मैं यहाँ पे यार कब से बर्गर वाले का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन गैस अब तक वो आया नहीं है। और भाई मेरे को लाइन में और खड़ा रहना पड़ेगा, सबसे पीछे लगना है क्या मुझे? हेलो टकले भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, लग जाऊँ क्या भाई यहाँ पे? अरे तू मत लग जाइए यहाँ पे, मेरा जो छोटा भाई है ना वो लगेगा यहाँ पे, अभी वो गया हुआ है कहीं पे। अबे भाई जब आएगा जब मैं हट जाऊंगा। अरे लग मत जाइए भाई, बता रहा हूँ अभी कॉल करके अपने दोस्तों को बुला लूंगा। चल ठीक है भाई, वैसे भी बर्गर वाला तो अभी आया नहीं है, मेरा तो मन कर रहा है गैस मस्त करके घर पे और सो जाऊं। गैस मैं यहाँ पे काम से आया हुआ था, सिंचन के बच्चे ने बोला कि रास्ते में से भाई उसके लिए बर्गर लेके आ जाना, लेकिन कहाँ से बर्गर लाओ? पहले तो गैस यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और दूसरी बात यहाँ पे भाई स्टॉल का ओनर ही नहीं है, भाई बर्गर कौन ही देगा? अरे भैया दो दो कोल्ड ड्रिंक पैक कर दो और साथ में दो हॉट डॉग पैक कर दो, लगाओ फटाफट से। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं थोड़ा हूँ भाई। अरे तो तुम यहाँ खड़े क्यों हो गए भैया? जब तुम इस शॉप के ओनर नहीं होते तुम आगे खड़े कैसे हुए? चल तू बता क्या लगा रहे? दो भैया तुम लगा दो मस्त करके कोल्ड ड्रिंक और दो हॉट डॉग। और पैसे बताओ कितने हुए? पैसे हो गए भाई तेरे यही कुछ 3,000 हो गए। 3,000? अरे पर किस हिसाब से ले रहे हो पैसे? अबे भाई मैं यहाँ पे तेरा टाइम पास कराने थोड़ा आया, कब से गए बंदा यार लाइन में लगा हुआ है, इसका टाइम पास नहीं हो रहा ना, इसलिए ये सोच रहा होगा मेड से ही टाइम पास कर ले। चलो छोड़ो, सिंचन से बोलूंगा कि शॉप बंद थी यार, कब से वेट कर रहा हूँ, निकलते गए फटाफट से घर की तरफ। अरे भाई अरे अरे कहाँ जा रहे हो? फ्रैंकलिन भाई। फ्रैंकलिन भाई ये कौन बोला भाई? हेलो तुम में से कौन बोला? अरे मैं ही बोला भाई, मैं गिटार काफी अच्छा बजा रहा हूँ, तुमने एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करी। गिटार? हाँ भाई तो काफी ओपी बजा रहा है, लेकिन तू मेरा नाम कैसे जानता है? अरे हम तुम्हारे पड़ोसी के रिश्तेदार है, जो तुम्हारा पड़ोसी है काफी तारीफ कर रहा था ना तुम्हारी, तो इसलिए हम तुम्हें जानते हैं। भाई तुम अपने घर तो जा ही रहे हो, हमको भी लिफ्ट दे दो। अच्छा लिफ्ट चाहिए, चल आजा बैठ जा, वैसे भी तू मेरे पड़ोसी है तो बैठ ही जा। अरे तुम्हारे पड़ोसी नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के दूर के रिश्तेदार है। आजा भाई आजा। गिटार तो गाइस सच में काफी ओपी बजाता और काफी जोश में बजाता, बैठो अंकल जल्दी बैठो। अरे अंकल ना बोलो यार, जिम जाके बॉडी सॉडी बनाते हैं। और हाँ कभी तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो एक कॉल जरूर मार देना मेरे को, उसके बाद देखो तुम्हारे दुश्मन को कितनी अच्छी तरीके से पीटूंगा। लेकिन एक बात बता भाई, तू मेरे पड़ोसी का रिश्तेदार है तो भाई मेरे पड़ोसी के घर पे तू क्यों आया? अरे वो तुम्हारे जो पड़ोसी है ना उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसने मेरे को बुलाया। क्या शादी होने वाली है? लेकिन भाई इसने तो मेरे को बताया नहीं। अरे अभी थोड़ी ना शादी, उसकी शादी 3 साल बाद है। अबे 3 साल बाद शादी है, लेकिन तू आज क्यों आ गया भाई उसके घर पे इतनी जल्दी, काहे को आ गया? अरे कुछ नहीं, उसने बताया कि 3 साल बाद मैं शादी करूंगा, मैंने बोला भाई मैं तेरे घर पे आके पार्टी लूंगा तुझसे पार्टी, इसलिए आ गया भाई मैं यहाँ। लेट्स गो। तो ले भाई पहुंच गए हम अपनी गली के अंदर, और पहुंच भी गए भाई अपने घर के अंदर। वैसे एक बात बता, तुझे मेरा घर लगता कैसा है? अरे भाई अभी तक तुमने अपना घर अंदर से तो मुझे दिखाया नहीं, एक बार अपना घर दिखा सकते हो क्या? अभी तो नहीं भाई, तू एक काम कर, तू ना शाम का ही मेरा घर देखने के लिए। ओके इतने में सिंचन से परमिशन ले लूं कि तेरे को घर में बुलाना या फिर नहीं बुलाना? ओए सिंचन चाओ भाई कहां हो तुम? अब बात सब लो आगे, बात सब क्या लाया मिल लिए? फ्रेंकल भैया तुमसे बोलते दो बर्गर लेके आना, लेके आए दो बर्गर। क्या सिंचन बर्गर? तूने बर्गर भी मंगाए थे क्या मुझसे? अरे भूल गए क्या फ्रेंकल भैया, तुमको यार 3 बार कॉल करा था और 3 बार कॉल करके बोला था कि चॉप के लिए पेडिग्री और मिल लिए दो बर्गर पैक के लेके लाना, तुम सच बताओ कुछ नहीं लाए क्या? नहीं सिंचन मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मैं शायद भूल गया। अरे फ्रेंकल भैया के बच्चे अभी काम करो, दोबारा जाओ और लेके आओ भाई मेरे लिए बर्गर, वो भी दो दो लेके आना, और बात सबको ले मिल लेके आ पेडिग्री। एक काम कर सिंचन भाई, तू गाड़ी की चाबी ले और निकल और लेके अपने लिए बर्गर। सिंचन के बच्चे तुझे पता है वहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और साथ के साथ सिंचन वो शॉप का ओनर भी नहीं है वहाँ पे जो बर्गर पैक कराएगा। अरे मतलब शॉप का ओनर नहीं है फिर भी लाइन लगा रखी है क्या लोगों ने? हाँ सिंचन लोगों का कहना है कि भाई वो थोड़ी देर में आएगा। चलो तो तुम फ्रेंकल भाई काम करो, तुम यहीं पे मेरा वेट करो, जाता हूँ और फटाफट से लेके आता हूँ बर्गर। लेकिन ये चॉप का बच्चा कहाँ भाग गया यार मेरे से आगे की? ओए चॉप रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? तेल बर्गर लेके आऊंगा। अरे बाबरू इसको तो गाड़ी से ठोक के चले गया। ओए चॉप तेरी खोपड़ी उल्टी पुल्टी होगी। बात अब मेरे को जाना स्वीटी से मिलने। बात अब बढ़ जा सिंचन के बच्चे। अरे देख के भाई देख के, अरे बाबरू गए गाड़ी वाले से कितना कितना बचा है। एक बार तो इसको यार गाड़ी वाले ने ठोक भी दिया, और दूसरी बार तो ये बच गया, अगर दूसरी वाले गाड़ी वाला ठोक देता ना तो पक्का यार इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो जाती। चलो निकलता हूँ यार फटाफट से बर्गर लेके आता हूँ, वैसे भी गैस ऐसा मौका ना कम ही कम मिलता है। फ्रेंकल भी अपनी गाड़ी यार मेरे को दिखाते नहीं चलाने का, आज फाइनली यार गाड़ी दिखा दी, लगे हाथ अपने दोस्तों से मिलके आऊंगा और साथ में यार 3-3 बर्गर लाऊंगा। लेकिन एक सेकंड यार फ्रेंकल वैसे पैसे लाने तो भूल गया। अरे यार अब तो मैं काफी दूर आ चुका हूँ, अब क्या करूँ? एक काम करूंगा अंकल से बोलूंगा कि अंकल यार तुमको पैसे दूंगा परसों, ये सही अंकल से बोलूंगा उधार रख लो पैसे, बढ़िया यार। अरे अब तो मेरी जान और मेरे लेस्टर दोस्त की जान फ्रैंकल के हाथों में है, मेरी जान और मेरे लेस्टर दोस्त की जान सिर्फ और सिर्फ फ्रैंकल ही बचा सकता है। फ्रैंकल मेरे दोस्त आ रहा हूँ भाई मैं तेरे पास, चलो मेरी जान तो कम से कम बच गई, मैं तो वहाँ से जैसे तैसे करके भाग के आ गया, लेकिन मेरा प्यारा लेस्टर दोस्त उनको उन्होंने पकड़ लिया और वो कह रहे हैं कि उसको उबलते हुए पानी में डालेंगे लेस्टर को, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। फ्रैंकल बचा ले भाई मेरे
लेस्टर दोस्त को फ्रैंकिल। अरे बाहर चलो छोड़ो भाई, इसके घर में डॉग रहता है, बस उसी से डर लगता है मुझे फ्रैंकिल। अबे 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 क्या हो गया, लमार के बच्चे कैसे चिल्ला रहे हैं और बहुत दिन बाद भाई तू मेरे घर पे आए। फ्रैंकिल मेरे मुंह पे तू कुछ देख नहीं रहा, एक सेकंड तेरे मुंह पे ये क्या है भाई, खून लग रहा है, किससे पिट के आ रहा है भाई तू? एक बात बता लमार के बच्चे, तू तो बोलता था भाई तू कभी किसी से पिट ही नहीं सकता और तेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर है, कहां गई भाई वो तेरी पावर? फ्रैंकिल भाई पावर वावर सब चूर हो गई, मेरे लेस्टर दोस्त को बचा ले तू कैसे भी करके। लेस्टर को? अबे क्या हो गया लेस्टर को? फ्रैंकिल तुझे पता है बेलास गैंग ने मुझे और लेस्टर को पकड़ा और हमें बहुत पीटा, उसके बाद वो मेरे को और लेस्टर को भाई उबलते हुए पानी में डाल ही रहे थे, तुरंत मैं तो भाई भाग के आ गया तेरे पास, बचा ले लेस्टर को भाई जितना जल्दी हो सके। क्या कह रहा है तू? हाँ भाई सच कह रहा हूँ, अबे तो निकलते हैं भाई फटाफट से। मतलब बेलास गैंग वालों ने भाई लमार को और लेस्टर को पकड़ा, उसके बाद भाई उबलते हुए पानी में डालेंगे क्या? ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता, जल्दी है लमार, ये सिंचन का बच्चा मेरी गाड़ी लेके चले गया। एक काम करते हैं गाइस, सिंचन को भी उठा लेंगे, पक्का वो बर्गर के शॉप पे ही होगा। फ्रैंकिल तुझे पता है वो लेस्टर को बोल लेते एक जंगल में ले जाने की, मुझे तो ऐसा लगता है फ्रैंकिल वो ले गए होंगे भाई। अबे बस तू अब शांत होके बैठा रहे, मैं समझ गया भाई ये बेलास गैंग से मेरी और लेस्टर की भाई काफी पुरानी दुश्मनी है। वैसे तो एक बार मैंने बेलास गैंग को सबक सिखा रखा है, लेकिन गाइस ये बेलास गैंग की भाई दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है, आज तो इनको छोड़ देने वाला। फ्रैंकिल तुझे पता है भाई मेरे मुंह पे चार चाटे लगाने के बाद भाई बहुत तेज मेरे मुंह पे भाई चप्पल भी मारी उन्होंने। लेट्स गो भाई, बर्गर की शॉप पर तो हम पहुंचने वाले हैं, यहीं कहीं पे गाइस वो बंदा बर्गर का स्टॉल लगाता है, सिंचन भी पक्का यहीं पे होगा। फ्रैंकिल क्या बोला तूने, सिंचन सिंचन स्कूल भी स्कूल नहीं जाता क्या? अबे स्कूल की छुट्टी थी। ओए सिंचन जल्दी बैठ भाई गाड़ी में, लेकिन मेरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, सिंचन दिखाई दे रहा है। अरे वाह फ्रैंकिल भैया तुम आ गए क्या मुझको लेने के लिए, तुमको कैसे पता लगा कि फ्रैंकिल भैया तुम्हारी गाड़ी चोरी होगी? ओए सिंचन ओए ओए तू क्या बोल रहा है? हां फ्रैंकिल भैया सच बोल रहा हूं, जैसे फ्रैंकिल भैया मैंने बर्गर वाले को देखा ना, मैंने अपनी गाड़ी यार बीच रोड पे लगा दी, उसके बाद मस्त करके मैंने दो दो बर्गर तो खाए फ्री के अंदर, और मैंने बोला कि पैसे यार तुमको कल दूंगा, लेकिन इतने में फ्रैंकिल भैया जब मेरे को तुम्हारी गाड़ी की याद आती ना, मैंने देखा यार तुम्हारी गाड़ी तो चोरी होगी। अबे सिंचन के बच्चे गाड़ी चोरी करवा दी मेरी, इसलिए तो भाई मैं तेरे को अपनी गाड़ी कभी दिखाता नहीं हूं, लेकिन अभी जा कहां रहे हो यार? मुझे ऐसा लग रहा है यार लमार भैया के साथ हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन लमार भैया एक बात बताओ, तुमने अपने मुंह पे यार ये टमाटर की चटनी क्यों लगा रखी है? अरे सिंचन बेटा ये टमाटर की चटनी नहीं बेटा, ये खून है, खून बहुत पेला है मुझे। अरे किसने पेल दिया यार तुमको, मेरे को बस उनका नाम बताओ। सिंचन के बच्चे बेलास गैंग को भूल गया क्या तू? अरे बेलास गैंग को कैसे भूल सकता हूँ, उनकी तो फ्रैंकिल भी हमने चटनी निकाल दी थी, वही तो सिंचन है। एक बार तो सिंचन हमने उनको काफी गंदी तरीके से मारता, लेकिन सिंचन तुझे पता है इस बार सिंचन उसने लेस्टर और लमार को पकड़ लिया और सिंचन इन दोनों को बहुत मारा यार। अरे तो चलो यार अभी चलो उनके पास, उनको मैं सबक सिखाऊंगा, बस तुमने मेरे को एक गन दिखा देना। हाँ सिंचन जा तो उन्हीं के पास रहे, क्योंकि सिंचन उन्होंने ना भाई अपने लेस्टर को पकड़ रखा है। फाइनली गैस भी मैं सिंचन और लमार भाई पहुंच चुके हैं गैस ये बेलास गैंग के अड्डे पे। सिंचन अब तू चेक करियो भाई, सारे के सारे बंदे हमको यही कहीं पे दिखाई देने वाले। अरे फ्रैंकिल भाई सबसे पहले बॉस को ढूंढ बॉस को, क्योंकि यार हमको उसको बचा रहे भाई लेस्टर को। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं तेरे साथ हूं ना भाई, अपने लेस्टर को कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन सिंचन आज क्या बात है भाई, कोई भी नजर नहीं आ रहा। अरे ये देखो ये जा रहा है सामने बंदा। नहीं सिंचन वो थोड़ना है। एक सेकंड सिंचन के मेन अड्डे पे पहुंचते, सिंचन वहीं पे पता लगेगा आखिरकार हो क्या रहा है भाई यहाँ पे, ये चेक कर सिंचन। सारे के सारे बंदे तो सिंचन यहीं पे। अरे बाप रे ये कितने सारे हैं, और सिर्फ फ्रैंकिल भी, हम तो सिर्फ और सिर्फ तीन ही है यार। अबे सिंचन तू डर रहा है क्या? सबसे पहले तो गाइस अपनी गन निकालता हूं, और इनका बॉस गाइस सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, क्योंकि ये काफी सारे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले तो मैं फाइटिंग ही करूंगा। ये लो भाई तुम्हारी दोबारा से हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे लास्ट ट्रिप पे भाई गन कैसे चलाई और लमार को भी मारा। फ्रैंकिल मैं भी मारता हूं भाई इनको गुस्सा, भाई मेरे मुंह पे चप्पल मारी थी चप्पल। अरे बाप रे यार लमार भैया तुमने चप्पल कैसे खाली मारे हो? फ्रैंकिल भाई मैं तो यार मस्त करके गाड़ी में बैठा हुआ हूं। हां सिंचन तू गाड़ी में बैठा रहा है, अरे मैं निकल के भी आ गया यार। एक सेकंड सिंचन ये डॉग कहां से आ गया भाई यहां पे, लगता है इन्हीं का डॉग होगा। ये लो भाई सबको खत्म कर देगा। नहीं 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 भाई गन तो चला रहा है कोई बंदा। अरे पागल हो रहे हो क्या लमार भैया, यार डॉग को क्यों मार रहे हो? एक सेकंड ये क्या हो गया, सिंचन लमार को तो उधेड़ दिया भाई अपने चॉप जैसे डॉग ने, लेकिन सबसे पहले भाई मैं इनको उधेड़ता हूं, ये बेलास गैंग वालों को सच में उधेड़ ही दूंगा भाई गन से। ये ले अपने चॉप को लेके आता ना तो गाइस मेरे को गन चलाने की भी जरूरत नहीं थी भाई, सबको संभाल लेता वो अकेले। मुझे तो पता है जरूर लेके आएगा फ्रैंकिल को, और ये लेके भी आया, अभी देखता हूँ कहाँ है ये फ्रैंकिल का बच्चा। छोड़ो उन्हें तो वालरियो में इसको, और मैं नहीं चाहता कि हम फाइट आगे बढ़ाए। ओ फ्रैंकिल मैं क्या करो, पहले तो इनको ये ले, किसने बुलाया तुमको, किसने बुलाया, भागो यहाँ से। अरे आ गया फ्रैंकिल भाई बॉस आ गया। अब सिंचन ये क्या हो रहा है भाई, इसके बॉस की भी फाइट हो गई, लेकिन सिंचन इसके चेले कुछ कर ही नहीं रहे। अरे हाँ सही कह रहे हो यार, इसका बॉस तो यार लड़ाई कर रहा है जो डॉक्टर ठीक करने के लिए आया। ये भी लो,
रुक सिंचन, मेरे को ही बात करनी पड़ेगी। अरे बापरे क्या ही घूसा मारा भाई इसने। ओए मैं क्या कह रहा हूँ, एक काम करो तुम यहाँ से निकलो, चलो निकलो निकलो। हाँ भाई बॉस एक बात बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने लेस्टर को पकड़ा? मेरी सुनाई मैया। देख फ्रैंकल, तेरी मेरी पुरानी दुश्मनी थी लेकिन तेरी मेरी दुश्मनी खत्म हो चुकी है। दुश्मनी तो खत्म होगी लेकिन तूने लेस्टर को पकड़ा कैसे? मैं चाहूँ तो तुझे गन से अभी भी उड़ा सकता हूँ लेकिन मैं उड़ाऊंगा नहीं। हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे पीछे मेरे चेले खड़े है। तुझे डर होगा कि अगर तू मुझे मार देगा तो मेरे चेले फिर तुझे मार देंगे। अबे ये देखना तेरे चेलों को मैंने अभी तो मारा, ये देख ये पड़ा देख ब्लैक बनियान वाला तेरा चेला। तेरे चेलों को तो मैंने भून दिया, उसी तरीके से मैं तेरे को भी भून सकता हूँ लेकिन मैं तेरे को भूनूंगा नहीं क्योंकि जो मेरा लेस्टर दोस्त है ना वो तेरे पास है। तो फटाफट से लेस्टर को दे दे। लेस्टर तो गया, अब नहीं मिलेगा कभी तुमको लेस्टर, भेज सकती हूँ मेरी जान ले ले, लेकिन जिंदगी में कभी तू लेस्टर को नहीं ढूंढ पाएगा, भूल जब लेस्टर को। लगता है सिंचन इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भाई मैं क्या कह रहा हूँ, गन से उड़ा दो गन से। नहीं सिंचन इसको मार भी तो नहीं सकते यार, लेकिन क्या करूँ गाइस इसके चेले से पूछना पड़ेगा। ओए चेले मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन, ये ले गन ले, अरे ले मुंह पे का ये ले। फिर भाई तू भी नहीं सुधरेगा, एक सेकंड अब कौन गन चला रहा है भाई? लगता है गाइस इसके और चेले आ गए भाई यहाँ पे, इनको दोबारा से ढूंढना पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भाई पीछे देखो अपने चौप जैसा डॉग है। अबे सिंचन तू ही देख ले, मेरा ध्यान मत भटका, लेकिन एक सेकंड में भाई ये तो डिट्टो चौप की तरह है। एक और आ गया भाई, एक और आ गया, दोनों के दोनों अपने चौप की तरह। लेकिन यार यहाँ ये टाइम पास करने से अच्छा गाइस मेरे को किसी से पूछना चाहिए कि आखिरकार अपना लेस्टर का है। हेलो भाई तुम में से कोई मेरे को बता सकता है क्या मेरा लेस्टर दोस्त का है? मैं तुमको उसके बदले में इनाम दूंगा। मुझे लगता नहीं है गाइस यहाँ पे जो भी है कोई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन भाई लेस्टर का पता तो लगाना ही पड़ेगा ना कहीं। हकीकत में गाइस ये लेस्टर को भाई कोई गर्म पानी में डालने तो नहीं वाले? अरे यार एक तो ये बैलास गैंग वालों का गाइस पता भी तो नहीं है ना भाई ये कौन कौन से उल्टे काम करते हैं। गाइस ये सारे के सारे भाई उल्टी खोपड़ी गए, तो भाई सभी लोग उल्टे काम करते हैं। लेकिन भाई इसके बॉस को ही मेरे को होश में लाना पड़ेगा। सिंचन उसका बॉस कहाँ गया? अरे ये पड़ा फ्रैंकल भैया, वैसे भी तुमने इसको गन्नी मारी, तुमने इसके मुंह पे घुसा मारा, तुरंत ही यार ये बेहोश हो गया। हाँ सिंचन इसको ही उठाना पड़ेगा और इससे ही भाई पूछना पड़ेगा आखिरकार अपना लास्ट कहाँ है, क्योंकि सिंचन इसके जितने भी चलते सबको तो मैंने यहाँ पे लुड़का दिया भाई। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुन तो ध्यान से, तुझे तेरा लास्टर चाहिए ना, मैं तेरे को लाके दूंगा तेरे लास्टर को, और तेरे लास्टर एकदम ठीक है ये मैं तुझे बता सकता हूँ। अरे तो भैया यार लास्टर भैया के पास लेके चलो। अबे लास्टर के पास मत लेके चल, तूने लास्टर को फटाफट से यहीं पे बुलाओ। अरे लास्टर को मैं तुझे जब ही दूंगा जब तू मेरे को एक प्राइवेट जेट ला के देगा। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना, मतलब मैं तेरे लिए एक प्राइवेट जेट भाई चोरी करूँ? हाँ अगर तू मेरे को काफी बड़ा एक प्लेन ला के देगा तो ही मैं तेरे लास्टर को छोड़ूंगा। तुझे पता है मैंने तेरे लास्टर को छुपा रखा है बहुत अच्छी जगह पे, वहां से वो कभी भाग भी नहीं सकता। लगता है सिंचन भाई हम तो काफी गंदा फंस गए। अरे हाँ फ्रैंकल भाई यार इसके अलावा शायद और किसी को पता भी नहीं आखिरकार हमारे लास्टर भैया का है। मेरे चेलों को पता था, जितने भी मेरे चेलों को तूने मारा है ना इन सबको पता था आखिरकार लास्टर का है, लेकिन तू इनको कितना भी मार ले ये कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे और कभी नहीं बताएंगे तेरे को कि आखिरकार हमने तेरे लास्टर को कहाँ छुपा रखा है। अबे मैं क्या कह रहा हूँ मोटे भाई, हेलीकॉप्टर चलेगा क्या? हेलीकॉप्टर ला के दे दू। हेलीकॉप्टर बचपन का सपना, हेलीकॉप्टर तो मैं चाहूँ तो खरीद लू लेकिन मुझे अपने पैसों का हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्री का। अच्छा फ्री का तुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो ठीक है मैं हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ। और तेरी क्या गारंटी है भाई तू मेरे लास्टर को सही सलामत देगा? मेरी गारंटी है मैं लास्टर को सही सलामत तेरे आगे रख दूंगा, लेकिन तेरे पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है। अगर आधे घंटे के अंदर तू हेलीकॉप्टर नहीं लाया तो तेरे लास्टर को हम उबलते हुए पानी में डलवा देंगे, याद रखियो। अरे बाबरी इतनी गर्म पानी में डलवाओगी क्या फ्रैंकल भाई? लास्टर भैया तो पूरी जल जाएंगी। सिंचन इसने मुझे आधा घंटा दिया है, लेट्स गो सिंचन, निकलते हैं फटाफट से और हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। लेकिन लमार भैया तो कहीं दिख नहीं रही। सिंचन ये लमार का बच्चा कहाँ चले गया? ओए लमार भाई लगता है सिंचन ये ना भाई पक्का शॉप पे चले गया होगा। सिंचन तुझे पता है यहाँ पे ना काफी फेमस शॉप है, वहाँ पर सिंचन भाई काफी यमी यमी केक मिलते हैं। पक्का सिंचन ये लमार ना भाई वहीं पे गया होगा, क्योंकि सिंचन जब भी भाई लमार का बच्चा यहाँ पे आते ना तो सिंचन वो केक खाने जरूर जाता है। मुझे लगता है सिंचन भाई जब मैं फाइट कर रहा ना वो लमार का बच्चा वहीं निकल गया। लेकिन फ्रैंकल भाई तुम एक बात बताओ, सच में यार तुम हेलीकॉप्टर दोगे क्या उस बुड्ढे को? सिंचन मन तो मेरा है नहीं, लेकिन सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ फटाफट से कहीं से हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं और सिंचन इसको देते हैं भाई मोटे को वो हेलीकॉप्टर। उसके बाद एक बार सिंचन अपना लेस्टर अपने हाथों में आ जाए ना, जैसे सिंचन लेस्टर अपने पास आ जाएगा उसके बाद देख सिंचन इस बुड्ढे को कैसा सबक सिखाता हूँ। देखियो सिंचन इससे ऐसा बदला लूंगा ना कि सिंचन भाई कभी दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। हाँ फ्रैंकल भाई बस एक बार अपने लेस्टर भैया मिल जाए उसके बाद तो यार इस बैलेंस गैंग को यार छोड़ना मत बिल्कुल भी, और साथ के साथ फ्रैंकल भैया यार अपना हेलीकॉप्टर भी ले लेना। और क्या सिंचन मैं हेलीकॉप्टर इसको हमेशा के लिए थोड़ा ना दे रहा, बस सिंचन इसको दिखाऊंगा हेलीकॉप्टर की शक्ल, उसके बाद सिंचन हेलीकॉप्टर भी अपना होगा लेस्टर भी अपना होगा। लमार तो सिंचन भाई अपना है ही, अरे हाँ वो तो गए केक खाने के लिए। और गाइस यार जब तक हम अपनी लोकेशन में पहुंच रहे हैं आप लोग गाइस यार जब तक यार वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गाइस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो यार फटाफट से। सिंचन भाई एयरपोर्ट तो भाई हम पहुंच चुके हैं और सिंचन उस हेलीकॉप्टर को भाई हम इस एयरपोर्ट से चुराने वाले हैं, तो लेट्स गो। सिंचन पुल से जंप लगानी पड़ेगी। अरे बाप रे पुल से काय को जंप लगा दी। सिंचन के बच्चे अगर नीचे से आते ना तो पक्का भाई काफी टाइम लग जाता, और वैसे भी सिंचन अपने पास टाइम तो है नहीं। लेट्स गो भाई तोड़ ताड़ के। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अरे बाप रे ये बॉडीगार्ड आ रहा है फ्रेंकल भैया। हेलो सर, हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को जाने दो भाई। वैसे भी यार मेरे को इल्लीगल तरीके से ही अंदर जाना है, क्योंकि सिंचन हम तो यहाँ पे चोरी करने आए, कुछ सामान परचेज थोड़ा ना करने आए। अरे वाह कितना बड़ा है फ्रेंकल भैया, ये देखो यार एयरपोर्ट कितना बड़ा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सिंचन। अरे अंदर तो मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है फ्रेंकल भैया, ये चेक करो। और साथ में सिंचन यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी है, और भाई बॉडीगार्ड भी खड़ा हुआ है सिंचन, जो कि इनकी सेफ्टी रख रहा है। रुक सिंचन से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, तो ठीक है लेकिन करो भाई साहब, तुमको हमारा जाना नहीं है। अरे भाई जाना नहीं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक गाड़ी तुम्हारी टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा सकता हूँ क्या। क्या कहा, टेस्ट ड्राइव के लिए? उसके लिए बच्चों तुमको परमिशन लेके आनी होगी। परमिशन लायो? परमिशन लेकिन कौन सी परमिशन? अरे बड़े बॉस की परमिशन चाहिए होती है। बड़े बॉस ने अगर पेपर पे साइन करके दे दिए तो मैं तुमको गाड़ी चलाने के लिए दे सकता हूँ, वो भी टेस्ट ड्राइव के लिए, समझ रहे हो। और तुम्हें अपनी डिटेल भी हमको फिल करवानी पड़ेगी, कहीं तुम भाग गए हमारी गाड़ी लेके तो। अरे भैया यार बेफिक्र रहो, हम यार चोर थोड़ी ना है। और वैसे भी यार सुबह सुबह मेरे फ्रेंगल भैया की गाड़ी चोरी होगी मुझसे। हाँ सिंचन, गाड़ी तो अपनी चोरी हो चुकी है, तो सिंचन भाई हेलीकॉप्टर तो पक्का यहाँ से मैं लेके जाने वाला हूँ, लेकिन कैसे लेके जाऊँ भाई। इसके हाथ में गन भी है। रुक सिंचन इससे भाई सीधे सीधे पूछता हूँ। हेलो सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप यहाँ पे अकेले हो, अगर सर आपको किसी ने मारा और ये हेलीकॉप्टर गाड़ियां चुरा के ले गया तो? हो ही नहीं सकता, सवाल पैदा ही नहीं हो सकता बच्चों। यहाँ पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे, साथ के साथ बच्चों यहाँ पे बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं बच्चों। जैसे ही तुम किसी गाड़ी में बैठोगे तुरंत बच्चों अलार्म बजने लग जाएगा, और यहाँ पे काफी सारे आर्मी आ जाएंगे बच्चे, आर्मी आ जाएंगी। अरे क्या आर्मी? मतलब बच्चों आर्मी वाले लोग आ जाएंगे, उसके बाद जो भी चोर होगा उसको भून डालेंगे। अच्छा भून डालेंगे, तो सर प्लीज मेरे को माफ कर देना। बढ़िया सिंचन, इसको तो मैंने लुटका दिया। हेलो हेलो भाई, लगता है सिंचन ये तो गया। अरे हाँ यार मस्त करके बेहोश कर दिए घुसे में, लगता है तुम्हारे हाथ में बहुत ही जाने। जल्दी बैठ जा सिंचन, जल्दी बैठ जा। अरे पर फ्रेंगल भैया तुम हेलीकॉप्टर में बैठ गई, देखो यार ना अलार्म बजा और ना ही कोई भी आर्मी वाला बंदा है। वही तो सिंचन, मुझे पता लग गया था कि ये सिंचन झूठ बोल रहा है। लेट्स गो गाइस, हेलीकॉप्टर तो हमने उठा लिया है, लेकिन सिंचन वहाँ पे जितनी भी गाड़ी की कलेक्शन थी ना, मजा ही आ गया सिंचन उनको देख के। कहा सिंचन अपने पास भी भाई इतनी गाड़ी की कलेक्शन होती तो कितना मस्त रहता ना। हाँ यार हर दिन यार अलग अलग गाड़ी चलाते। और फ्रेंगल भैया मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने एक दिन यार अपनी टॉय की कार की कलेक्शन भी बनाऊंगा। बनाएंगे सिंचन, जिस टाइम पे सिंचन अपने पास काफी सारा पैसा आ गया ना, उसके बाद सिंचन भाई कार की कलेक्शन तो जरूरी बनानी है हमको। लेकिन फ्रेंगल भैया यार लमार भैया की कार तो यार हम एयरपोर्ट पे छोड़ के आ गई, जहाँ से फ्रेंगल भैया हेलीकॉप्टर हमने उठाया है ना वहाँ पे लमार भैया की कार रह गई। अब सिंचन अपनी कार भी तो चोरी होगी, छोड़ना सिंचन लमार की कार को भी वहीं पे छोड़। वैसे भी सिंचन लमार की कार मिली जाएगी हमको। एक सेकंड, अब ये किसका कॉल आ गया? फ्रैंकलिन, चुराया या किसी का हेलीकॉप्टर या फिर नहीं चुराया, ये बता। अबे हाँ मैंने ले लिया हेलीकॉप्टर ले लिया, अब तू ये बता आखिरकार मुझे आना कहा? तू मेरे पुराने वाले अड्डे पे आ जा, तुझे याद है वो जो मेरा पुराना वाला अड्डा था जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था गुंडागर्दी का? एक काम करा, तू सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को लेके वहीं पे आ जा, तेरा लास्टर तेरे को वहीं मिलेगा। अच्छा वहाँ मिलेगा क्या? हाँ आ जा फटाफट से आ जा, और याद रखियो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी हैं। हाँ चल ठीक है, लेट्स गो सिंचन भाई। फाइनली अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं। अच्छा फ्रेंगल भाई यार यहीं कहीं पे है क्या उस मोटे का अड्डा? हाँ सिंचन उस बंदे का ये अड्डा भाई, ये जो तू नीचे घर देख रहा है, अच्छा ये वाला घर के जो अजीब सा है। हाँ सिंचन, ये सिंचन भाई बैलास गैंग वालों का भाई पहला अड्डा था। अब फटाफट से सिंचन में इस हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता हूँ, लेकिन सिंचन भाई मैं ना हेलीकॉप्टर को सही ढंग से लैंड कर नहीं पाता, तो तू ना भाई चौकन्ना रहियो। अरे कर भी दो यार, इतना काहे को डर रहे हो, इतनी खाली जगह तो है। लेट्स गो, तो सिंचन फाइनली भाई हेलीकॉप्टर हो गया लैंड, अब उतर जा। अरे यार कैसे लैंड कर दिया यार, उल्टा पुल्टा ना हो जाए? बच गए भाई, बच गए भाई साहब। पंखड़ी सिंचन अगर हमारे मुंह पे लगती ना तो पक्का सिंचन छिल ही जाते। आ सिंचन फटाफट से पहले अपनी गन निकाल लूं, क्योंकि गैस इसका कोई भरोसा भी नहीं है। सबसे पहले चलते हैं गैस फर्स्ट फ्लोर पे। हेलो अंकल भाई, क्या हाल है, यहाँ पे कैसे खड़े हो, भाग गए? लगता है गन काफी लेट देखी अपने, बनना तो पहले ही भाग जाते। अरे कहाँ चले गए फ्रेंगिल भाई यार, लास्ट ओए लास्ट के बच्चे। अरे बापरे कितनी गंदी स्मेल आ रही है, अब ये लोग कौन है? ये बैलास गैंग के बंदे तो लगते नहीं है, इनकी तो अजीब ही हालत हो रखी है, और यहाँ पे कितना कूड़ा कचरा और साथ में कितनी बदबू भी है। ये डोर लॉक कर रखे क्या? हेलो हेलो भाई, डोर लॉक है तो पक्का लैस्टर का बच्चा इसमें ही होगा, लेकिन फिर भी गैस आगे चल के देखते हैं। ये भी लॉक है, एक डोर ये खुला हुआ है, ये तो रहा भाई, ये तो रहा। हो गया फ्रैंकलिन, लेके आयो मेरा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर तो लेके आया, लैस्टर का है। अरे फ्रैंकलिन बेटी, ये रहा बेटी, बचा ले बेटी, कैसे भी करके अपने दोस्त को बचा
चले। हाँ लेस्टर तेरे को बचाने तो आया हो, और बाकी लेस्टर यहाँ पे कोई तो नहीं है। अरे ब्रैकिल बेटी, ये एक बंदा मेरे साथ खड़ा है जब से, और बेटी मारने की प्लानिंग चल रही है। ये ले भाई तू मारेगा मेरे को, और ये ले भाई मोटे ये ले, तुझे भी मैंने सबक तो सिखा दिया। लेस्टर ये बता भाई तेरे साथ अभी कुछ गलत तो नहीं हुआ? ब्रैकिल बेटी अगर थोड़ी देर और तू नहीं आता ना तो ब्रैकिल बेटी बहुत गलत होने वाला है मेरे साथ। तुझे पता है बेटी उबाल के इन्होंने नीचे पानी रख रखा है, और बेटी मुझे उस पानी में डालने वाले थे। लेस्टर तू डर मत भाई, तेरे को मैंने बचा लिया। लेकिन एक सेकंड सिंचन, एक सेकंड बाहर से गन की आवाज आ रही है। हेलो सर, ये लो भाई, गए तुम भी आए थे हैं हमें मारने आए थे। अरे चलो अब फटाफट से ब्रैकिल बेटी को बताता हूँ, इनका राज इन गुंडों का राज। अच्छी बात है इन्होंने मुझे मारा नहीं, और इनका राज मुझे पता लग गया। ब्रैकिल बेटी क्या हाल है? लेस्टर के बच्चे मेरे हाल चाल तो मस्त है, ये बता तू तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ। जल्दी ब्रैकिल बेटी नीचे कूद, इनकी बेटी तिजोरी का मुझे पता लग गया। क्या तिजोरी का? हाँ बेटी, इन्होंने यहाँ पे एक तिजोरी बना रखी है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारा पैसा छुपा रखा है, और साथ में बेटी वो सारा का सारा पैसा इन्होंने चुराया है वो सारा पैसा। अच्छा भाई जल्दी बिठा तो फिर मेरे को। अरे लेस्टर भैया कहाँ है वो तिजोरी, जल्दी बताओ, हम फटाफट से खोलते हैं, और जितना भी पैसा निकलेगा ना फटाफट से लेके फुर हो जाते हैं यहाँ से। और तुम्हें पता है ब्रैकिल बेटी इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रही थी मेरे को मारने की, इसलिए तो बेटी इन्होंने मुझे बताया बोल लेके एक तिजोरी हमने बना रखी है, उसे कोई कभी खोल नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो ही खोल सकते हैं लॉक से। उन्होंने मेरे को दिखाई भी थी ये रही ब्रैकिल बेटी तिजोरी, इसे कैसे भी करके खोल, बहुत तगड़ा पासवर्ड फिट कर रखा है इसमें, एक बार बस ये खुल गई उसके बाद तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे बेटी। अबे कहाँ है लेस्टर भाई, तू है कहाँ, और कहाँ है तेरी सीक्रेट तिजोरी? अच्छा तो ये भाई यहाँ पर तो सिंचन काफी ओपी वाला भाई लॉक लगा रखा है, ये इतनी आसान से टूटेगा लेस्टर? अरे कुछ कर ब्रैकिल बेटी, इसे खोल बेटी, उसके बाद खजाना मिलेगा खजाना। अरे हाँ लेस्टर भैया ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन सिंचन भाई ये काफी खतरनाक है लुक सिंचन, फिर भी मैं इस खतरनाक लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं काम करो पीछे जाओ भाई, अब यहाँ पे मैं आरपीजी गन चलाने वाले हूँ, थोड़ा देख के फ्रेंगल भी हमको भी देख लेना। ये ले फिर सिंचन, एक सेकंड कुछ हुआ क्या? अरे दूर दूर तक कुछ नहीं हुआ यार, और हम और गिर गए नीचे। ये लो फिर दो, लगता है सिंचन लगातार भाई 5 आरपीजी गन तो भाई मेरे को चलानी पड़ेगी शायद जब ही सिंचन ये ओपन हो, लेकिन भाई ये डोर सिंचन मुझे नहीं लगता कभी ओपन हो पाएगा जिंदगी में। ये सिंचन सिर्फ और सिर्फ लॉक से ही ओपन होगा, और लॉक तो उस बंदे को पता था, और उसको मैंने गोली से उड़ा दिया। नहीं सिंचन कुछ नहीं हो रहा भाई, लेट्स गो सिंचन, मैं समझ गया भाई आखिरकार ये ओपन कैसे होगा। सिंचन ये ओपन होगा सिंचन, लेस्टर कहाँ हो भाई तुम? अरे ब्रैकिल बेटी हम तो छुप गए दोनों, क्योंकि बेटी तू तो हमको ही मार देगा बेटी इस आरपीजी गन से, इसलिए हम छुप गए। अरे हाँ ब्रैकिल भैया खोलो फटाफट से, कैसे खोलोगे? सिंचन ये खोलेंगे भाई स्टिकी बॉम्ब से। गाइस यहाँ पर मैं काफी सारे स्टिकी बॉम्ब फिट कर देता हूँ, ताकि भाई एक साथ जब स्टिकी बॉम्ब फटे ना तो भाई उसके बाद ये जो भी भाई सीक्रेट लॉक है एक साथ ही खुल जाए। ये लो भाई सारे में गाइस लगा देता हूँ, यहाँ पर भी नीचे भी और थोड़े से ऊपर भी, लेट्स गो भाई बस लगाते चलो गाइस, रुकना नहीं है अब मेरे को, क्योंकि अगर मैं रुकाना तो भाई ये लॉक कभी गाइस खुल ही नहीं पाएगा, इसलिए भाई मुझे रुकना नहीं है। सारे के सारे भाई चारों तरफ भाई स्टिकी बॉम्ब भी फिट कर देते हैं, और अब आ चुका है गाइस टाइम भाई गन चलाने का। अरे सच में फ्रेंगल भाई स्टिकी बॉम्ब पे गन चलाओगे क्या? जैसे सिंचन ये स्टिकी बॉम्ब फटेंगे ना उसके बाद देखियो ये लॉक कैसे ओपन होता है, उसके बाद मैं भी तो देखो इस बेलास गैंग ने भाई कितना सारा पैसा छुपा रखा है यहाँ पे। लेट्स गो सिंचन, 1 2 3 लगता है भाई साहब ये तो ओपन हो गया। बढ़िया गैस बढ़िया, ये लॉक तो मैंने ओपन कर दिया, लेकिन भाई साहब यहाँ पे स्मोक कितना हो रहा था, और एक बार ये चेक करो गैस यहाँ पर क्या है भाई। सबसे पहले मेरे को देखने को मिला डायमंड सिंचन, लेट भाई फटाफट से अंदर आ जाओ। भाई ये क्या है, यहाँ पर बाल्टियों के अंदर पैसे रख रखे है भाई इसने छुपा की, और साथ में गैस इस जाल के अंदर चेक करो भाई, इसने जाल के अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए हैं, और यहाँ पर रखा है भाई क्रेटों के अंदर बहुत ही सारा गोल्ड। भाई सही है गैस सही है, मतलब भाई ये सारा का सारा अपना हुआ क्या यार? अगर ये अपना है तो गाइस हम तो भाई काफी अमीर हो गए। ये वैसे भी गाइस मैंने बेलास गैंग को तो सबक सिखाई दिया है, और गाइस इनकी हिम्मत देख रहे हो, अपने लेस्टर को ही पकड़ लिया और लेस्टर को मारने वाले, तो इतना तो बनता है गाइस। यहाँ पर ये जितना भी खजाना है ना भाई इनका, ये सारा का सारा हम यहाँ से लेके जाए, और गाइस जो कुछ भी हमको चाहिए वो परचेज कर ले, और गाइस जितने भी भाई लोग है ना जिनको भी गाइस नीड है भाई पैसों की, तो गाइस उनको भी पैसे दे, क्योंकि भाई लेस्टर बता रहे यहाँ पे जितना भी पैसा गोल्ड है भाई इस बेलास गैंग ने ना गरीब लोगों से छीना है। तो फाइनली
गैस अभी पूरे 5 घंटे बीत चुके हैं और गैस मैं और सिंचन अपने घर पे भी आ चुके हैं और साथ में गैस ये चेक करो भाई शाम भी हो चुके हैं और गैस वहाँ पे जितना भी डायमंड गोल्ड पैसा था वो सारा का सारा गैस मैंने सिंचन और लैस्टर ने निकाला। उसके बाद गैस आधे से ज्यादा पैसों से तो गैस हमने लोगों की हेल्प कर दी और गैस जितना भी पैसा बचाना उसके बाद गैस मैंने सिंचन और लैस्टर ने भाई उसका इस्तेमाल करके गैस हमको जो कुछ भी चाहिए था वो सब कुछ परचेज कर लिया। एक बार देखो गैस हमने तो यार बहुत सारी चीजें लिए। सबसे पहले गैस हमने खरीदे भाई ये 2 बड़े बड़े भाई मॉन्स्टर ट्रक। उसके बाद सिंचन का बच्चा जिद करने लगा कि फ्रैंकल भाई एक बस भी खरीदो। तो गैस फाइनली मैंने एक बस भी परचेज कर ली ताकि गैस जब भी मेरे को सिंचन को और सिंचन के दोस्तों को पिकनिक घूमने जाना हो तो हम जाएंगे गैस इस बस से। उसके बाद भाई सिंचन ने लिए बहुत सारी रिमोट कंट्रोल कार और फ्रैंकल भाई तुमने लिए 3 सुपर कार। हाँ सिंचन 3 मैंने सुपर कार लिए और गैस 1 मैंने मॉन्स्टर कार भी लिए भाई ब्लैक कलर की और साथ में गैस फ्रैंकल भाई ने काफी ओपी बाइक की कलेक्शन भी बना ली। ये चेक करो भाई ये रेड कलर की क्या ओपी बाइक लग रही है सिंचन। इसकी जो लाइट है ना ये मुझे काफी प्यारी लगती है और गैस ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं है भाई ऐसी वैसी, ये गैस एक सुपर डुपर लग्जरी बाइक और इसके अंदर जो बूस्टर है भाई उसके बारे में तो पूछो ही मत गैस, काफी तेज चलती है बाइक। 1 सेकंड के अंदर गैस 300 स्पीड टच कर देते है ये अपनी बाइक। और गैस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गैस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई तो यार फटाफट गैस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गैस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और गैस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जैसे ही गैस हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब ले गैस प्यारा वाला बाय।